लेकिन आखिरकार वो हुआ जो हमने टॉस के वक्त ही सोचा था कि ऐसा क्यों हुआ कि टॉस जीतने के बाद उन्होंने वो तय नहीं किया जो ज्यादातर लोग सोच रहे थे, बैटिंग तय क्यों नहीं किया और उसका खामियाजा मुझे लगता है भुगतना पड़ा पल्लवी। तो मुंबई इंडियंस ने मैच जीत लिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ किंग्स इलेवन पंजाब के केएल राहुल से जो उम्मीदें थी दिनेश, वो खरे नहीं उतर पाए अपनी इस उम्मीद पर। जिस तरीके का प्रदर्शन उनसे उनके फैंस चाह रहे थे वो प्रदर्शन वो नहीं कर पाए। और जब आज हम ये डिस्कस कर रहे थे कि उधर रोहित को देखें और इधर केएल राहुल को देखें तो कौन ज्यादा मजबूत दिखाई देता है, केएल राहुल कहीं ज्यादा मजबूत थे, लेकिन आज उन्होंने जो पारी खेली क्या वो कैप्टन के तरफ से खेले जाने वाली पारी थी। पंजाब के कप्तान केएल राहुल वो बहुत जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन मुंबई के खिलाफ ये पारी उनकी सिर्फ 17 रन में सिमट गई। बड़ी इनिंग्स खेलेंगे ये सोचा जा रहा था, क्यों उन्होंने अपना विकेट सस्ते में गवाया और क्या वो जो शॉट उन्होंने लगाया उसकी दरकार थी। बहुत जल्द वो फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरीके से ट्रैप हो गए, लेकिन 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 केएल राहुल जाहिर है इस पूरे सिनेरियो का एक अहम एलिमेंट है। लेकिन रीमा, ये हम लोग चर्चा कर रहे थे और आपने कहा था ये क्यों हो रहा है ऐसा कि बैटिंग पहले नहीं की जा रही है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि आप रेक्टिफाई भी नहीं कर रहे उस गलती को जो लगातार जब से टूर्नामेंट शुरू है 13वां मैच है, 10 या 11 मैचेस ऐसे हुए हैं कि आप टॉस जीते हो और आप मैच हारे हो, तो वो ड्यू फैक्टर जो आप माइंड में लेके चल रहे हो और रिकॉर्ड्स में देख रहे हो वो यहाँ काम नहीं कर रहा। तो अगर टीम को वापसी करनी है, और ये मुश्किल की बात हो चुकी है किंग्स इलेवन के लिए, अब अगले 10 मैचेस में से कम उनको 7 मैचेस जीतने होंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, तो आप अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं। क्योंकि पहले जब इन्होंने रन बनाए थे तो पहले बल्लेबाजी की थी, लेकिन आज प्रेशर में प्रेशर। आपका ऑरेंज कैप भी नहीं चला और आपका सामने वाला पार्टनर भी नहीं चला। और हमारे साथ टीम इंडिया की विकेट कीपर और बल्लेबाज सुषमा भी मौजूद है। सुषमा, ये जो प्रदर्शन आप देख रही हैं केएल राहुल से उम्मीद नहीं की जा रही थी, और साथ में ये भी बताया जा रहा था कि उनकी कमजोरी है कि वो स्पिन के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, स्ट्राइक रेट भी हमने बताया था, आपको क्या लगता है कहाँ चूक हुई? डेफिनेटली केएल से भी और मयंक से भी जिस तरीके की स्टार्ट की उम्मीद थी वो नहीं हो पाया। बट मैं कहूंगी कि अगर वो दो प्लेयर नहीं कर रहे हैं जो आपके पिछले मैचेस में, तो क्या मतलब बाकी 4-5 आपके पास इतने बड़े नाम है। ग्लेन मैक्सवेल को आज स्टेप अप करना चाहिए था और निकोलस पूरन थोड़ा सा मोमेंटम में दिखे, बट जहां उनको कैरी ऑन करना था वो अपनी टीम को अकेले लेके जिता सकते थे, वो नहीं देखने को मिला। तो मैं कहूँगी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हो दोनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पे, या फिर आप ये कहोगे कि आपकी अभी तक मिडल ऑर्डर आपका इतना एक्सपोज ही नहीं हुआ है, या उन्होंने इतनी अभी आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 ओवर अभी तक पूरे पिछले 3 मुकाबलों में 5 ओवर, या आप बात करें तो 50 बॉल्स मैक्सिमम मिडल ऑर्डर को खेलने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जब आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है तो उसका भी नुकसान रहता है प्लेयर को। बट मुझे नहीं लगता जितने बड़े वो दोनों नाम है उनको आज डेफिनेटली परफॉर्म करना चाहिए।